हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल सरकारी लोक पे। दोस्तों, कल एक वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें बताया था कि नॉर्थ रीजन के कैंडिडेट एसएससी सीजीएल टीयर वन का एडमिट कार्ड ऑनलाइन किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उस वीडियो पे कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे जिसमें वो बोल रहे थे कि सर, मोबाइल पर हम एसएससी सीजीएल टीयर वन का एडमिट कार्ड किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, वो आप बता दीजिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि नॉर्थ रीजन के कैंडिडेट एसएससी सीजीएल टीयर वन का एडमिट कार्ड ऑनलाइन किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से, तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी दबा कॉल पर क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों, किसी भी सर्च इंजन में सर्च कर दीजिएगा आप एसएससी। अभी ये ओपरा ब्राउज़र ओपन कर रखा, पहले मैं आपको ओपरा ब्राउज़र में बता देता हूँ, उसके बाद और जो क्रोम ब्राउज़र या अदर जो भी ब्राउज़र है उसमें भी बता दूंगा किस तरीके से डाउनलोड आप उसमें कर सकते हो एसएससी सीजीएल टीयर वन का एडमिट कार्ड। अब उसके बाद सबसे ऊपर आ जाता है स्टाफ सेलेक्शन कमीशन, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये इस तरीके से पेज ओपन होके आ जाता है। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो तीन पैरेलल लाइन्स है, ये इस पे आप क्लिक कीजिए। उसके बाद एडमिट कार्ड पे क्लिक कीजिएगा, ये जो एडमिट कार्ड है इस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो नीचे की तरफ इस पेज पे आइएगा, और उसके बाद जब नीचे की तरफ इस पेज पे आप आओगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा नॉर्थन रीजन। लेकिन इस पे नॉर्थन रीजन पे क्लिक करने से पहले आप एक काम कीजिएगा, यहाँ पे जो राइट साइड में तीन पैरेलल डॉट्स है इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो इस पेज पे इस पर नीचे की तरफ आइएगा, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डेस्कटॉप साइट, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद ये डेस्कटॉप साइट ओपन होकर आ जाएगा इस तरीके से। अब इस पेज पर आप नीचे की तरफ आ जाइएगा और अब क्लिक कर दीजिएगा आप यहाँ पर नॉर्थन रीजन पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये इस तरीके से ओपन होके आएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट, ये इस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पे जो बॉक्स है सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिएगा, और इस पर क्लिक करने के बाद प्रोसीड एनी वे पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है जी, आपके सामने ये थोड़ा अलग भी आ सकता है, तो प्रोसीड एनी वे पर एडवांस पर क्लिक करके प्रोसीड, अगर आपके सामने एडवांस का आता ऑप्शन आता है तो एडवांस पे क्लिक करके उसके बाद प्रोसीड एनी वे पर क्लिक कीजिएगा। अब हमारे सामने इस तरीके से आया है तो इस बॉक्स पे हमने क्लिक करके प्रोसीड एनी वे पर अब क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ये इस तरीके से पेज ओपन होके आ जाता है। अब जैसे ही ये पेज ओपन होके आया है तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, इस पेज को खुलने देना है और नीचे की तरफ इस पेज पर आप आ जाइएगा, और यहाँ पे अब ऊपर की तरफ आइएगा। अब यहाँ पे आपको दिख जाएगा क्लिक हेयर, इस तरीके से दिख जाएगा आपको। ठीक है जी, ऊपर की तरफ आओगे इस पेज पे तो यहीं पे दिख जाएगा क्लिक हेयर। तो ये जो क्लिक हेयर है इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो एक इस तरीके से आएगा। अब सिंपली आपको जो ये कैंसिल का ऑप्शन है इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो एक न्यू टैब आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। अब आपको सिंपली क्या करना है, ये जो एडमिट कार्ड का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा डाउनलोड योर एडमिट कार्ड, इस पर क्लिक कर दे। अब जैसे इस पर आप क्लिक करोगे उसके बाद ये इस तरीके से नीचे की तरफ आप देख सकते हो, इस तरीके से ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, काफ़ी ऑप्शन आ रहे हैं इसमें। अब सिंपली ये एक ऑप्शन आपको दिखेगा यहाँ पर, एडमिट कार्ड फॉर कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2021 टीयर फर्स्ट, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये इस तरीके से आपके सामने पेज ओपन होके आ जाएगा। अब सिंपली आई एग्री पे क्लिक कीजिएगा और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, आई एग्री पे हमने क्लिक कर दिया और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से पेज ओपन होके आ जाता है। अब दोस्तों, आप अपना एडमिट कार्ड तीन तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन आईडी और फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ डाल के सर्च स्टेटस पे क्लिक करके चेक आप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आईडी अगर आप भूल गए हो तो जो आपने ईमेल रजिस्टर्ड की थी
एसएससी सीजीएल टीयर वन का एग्जामिनेशन फॉर्म भरते टाइम एसएससी सीजीएल का जो एग्जामिनेशन फॉर्म आपने भरा था, तो जो उसमें ईमेल आईडी डाली थी, तो उस मेल को एक्सेस कीजिएगा और वहाँ पे सर्च कीजिएगा एसएससी रजिस्ट्रेशन, तो वहाँ से आप कोई आईडी मिल जाएगी। अगर आप नहीं खोज पा रहे हैं तो आप तीसरा ऑप्शन यूज कर सकते हैं, ये ऑप्शन है दोस्तों, आप अपना नाम यहाँ पर डालिएगा, अपने फादर का नाम यहाँ पर डालिएगा, यहाँ पे डेट सेलेक्ट कीजिएगा, जो भी डेट है डेट ऑफ बर्थ जो आपकी, तो डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो जो भी नाम है, अगर एक बार आप कैपिटल में डाल के देख लीजिएगा दोनों, अपना नाम और फादर नेम, एक बार स्मॉल में डाल के देख लीजिएगा और एक बार स्टार्टिंग के डिजिट कैपिटल में, बाकी का स्मॉल में डाल के देख लीजिएगा। अब जैसे मैं अपनी डिटेल की बात करूँ तो कैपिटल में जैसे ही डालता हूँ सारी डिजिट कैपिटल में डाल लेता हूँ अपने नाम की, उसके बाद फादर नेम पूरी सारी डिजिट कैपिटल में डाल लेता हूँ, डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ और सर्च स्टेटस पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो उसके बाद स्टेटस आ जाएगा और एडमिट कार्ड डाउनलोड का भी ऑप्शन आ जाएगा, तो एडमिट कार्ड डाउनलोड मैं कर सकता हूँ। अब दोस्तों जैसे मेरा एग्ज़ाम 12 तारीख में है, तो अब एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए अवेलेबल हो गया है, तो डाउनलोड में कर सकता हूँ। तो मैंने कल की वीडियो में इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी आपको इन्फॉर्मेशन बताई दी है कि किस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड की बात करें तो जिस डेट में आपका एग्ज़ाम है उस डेट से 4 दिन पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए अवेलेबल हो जाता है, तो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कल की वीडियो में ऑलरेडी मैंने बताई दी है। अब मैं दूसरे ब्राउज़र में बता देता हूँ दूसरे ब्राउज़र में किस तरीके से आए। तो यहाँ पे हम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं क्रोम, ठीक है। क्रोम ब्राउज़र ओपन हमने कर लिया है, उसके बाद यहाँ पे एसएससी सर्च कर देते हैं, ठीक है, एसएससी और सर्च बॉक्स पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से एसएससी का ऑफिस जो सबसे ऊपर आपको देख सकते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाता है। अब सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, जैसे ही इस पर क्लिक करोगे उसके बाद एडमिट कार्ड पे क्लिक कीजिएगा, एडमिट कार्ड पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, जैसे ही यहाँ पर आपको क्लिक करना है दोस्तों, ये यहाँ पर जो 3 पैरेलल डॉट्स राइट टॉप में, तो जैसे ही आप इस पर ओपन करोगे इस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद ये इस तरीके से ऑप्शन आ जाएंगे। अब आपको सिंपली डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर देना है, डेस्कटॉप साइट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से फुल पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। इस पेज पे नीचे की तरफ आइएगा और नॉर्थन रीजन पर क्लिक कर दीजिएगा, नॉर्थन रीजन पर क्लिक करोगे तो एसएससी ये इस तरीके से आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। अगर उसमें प्रोसीड के लिए आ रहा है तो एडवांस का आ रहा है तो एडवांस पे क्लिक करके एनी वे प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा, तो ये पेज ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है जी। इस तरीके से आ गया है, तो ऊपर की तरफ आओगे इस पेज पे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा क्लिक हेयर, तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा, तो आप कैंसिल पर आप क्लिक कर दीजिएगा यहाँ पर, तो कैंसिल पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो उसके बाद ये इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अब सिंपली आपको यहाँ पे नीचे की तरफ ऊपर की तरफ आप आओगे तो यहाँ पे डेस्कटॉप साइट एक बार हम देख लेते हैं, डेस्कटॉप साइट डिसेबल तो नहीं हो गया है क्या, तो इस पर एक बार क्लिक कर लेते हैं राइट टॉप में, और उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं इस पेज पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो डेस्कटॉप साइट डिसेबल हो गया है, तो इस पर हम दोबारा क्लिक कर लेते हैं। और जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो फुल पेज हमारे सामने ओपन होके आ जाता है। अब सिंपली हमको यहाँ पे एडमिट कार्ड पे क्लिक करना है, और एडमिट कार्ड पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड योर एडमिट कार्ड पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद ये इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे एडमिट कार्ड फॉर कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल 2021 इस पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद ये जो बॉक्स है इस पर क्लिक करें, सबमिट पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद ये इस तरीके से आ जाएगा। इसका मैंने आपको बता ही दिया किस तरीके से आप इसमें डिटेल डाल के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब तीसरे ब्राउज़र का मैं आपको बता देता हूँ तीसरा ब्राउज़र में किस तरीके से कर सकते हैं। अब दोस्तों मोबाइल का ही मैंने दूसरा ब्राउज़र ओपन कर लिया है,
तो इसमें इस तरीके से साइट ओपन कर लिया। उसके बाद यहाँ से इसमें डेस्कटॉप मोड ऑन कर लेते हैं और यहाँ से डेस्कटॉप मोड ऑन कर लेते हैं। तो इस तरीके से ओपन होके आ जाता है। उसके बाद लैपटॉप में जो पहला लाइन से इस पर क्लिक करके एडमिट कार्ड पे क्लिक करते हैं। उसके बाद इस पेज भी नीचे की तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि डेस्कटॉप मोड डिसेबल तो नहीं हो गया क्या। राइट टॉप में यहीं पे क्लिक करते हैं तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं डेस्कटॉप मोड इनेबल ही अभी। तो उसके बाद नीचे की तरफ इस पेज पर आइएगा और उसके बाद नॉर्थन रीजन पर क्लिक कीजिएगा। अगर आपके केस आपके मोबाइल में डेस्कटॉप मोड नहीं आ रहा है तो उसका भी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आप SSCGL टियर 1 का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस तरीके से सिक्योरिटी वार्निंग आ रही है तो हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। ये गवर्नमेंट साइट है तो उसके बाद इस तरीके से आ जाता है। क्लिक हेयर का आ रहा है तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं और उसके बाद जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद ये इंस्टॉल और कैंसिल का आ रहा है तो हम कैंसिल पे क्लिक कर देते हैं। कैंसिल पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो एक टैब न्यू टैब हमारे सामने ओपन होकर आ जाती है इस तरीके से न्यू विंडो। और उसके बाद इस पेज पे आप यहाँ पे जो हमारा डेस्कटॉप मोड है वो डिसेबल हो गया है तो हम यहाँ से इस पर क्लिक करके दोबारा उसको इनेबल कर लेते हैं। नीचे आते हैं इस पेज पर और यहाँ से इस पर यहाँ पर क्लिक करते हैं और नीचे आते हैं इस पेज पर तो डेस्कटॉप मोड अभी हमारा इनेबल ही है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपको दिख जाएगा इसका। ठीक है, ये जो तीन राइट में आप देखोगे जो तीन पैरेलल लाइंस है यहाँ पे, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा एडमिट कार्ड, इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद डाउनलोड योर एडमिट कार्ड पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद नीचे की तरफ इस पेज पे आइएगा और एडमिट कार्ड फॉर कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2021 टीयर 1 पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ये जो बॉक्स है इस पर क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ से इजीली आप अब आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसका मैंने तरीका ऑलरेडी आपको बताया रखा कल की वीडियो ना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा या कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा। उस पर क्लिक करके इजीली आप देख सकते हैं, पूरा प्रोसेस बता रखा है कि किस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके मोबाइल में जो ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं उसमें डेस्कटॉप मोड का ऑप्शन नहीं है तो आपको क्या करना है। तो दोस्तों, आपको अपने मोबाइल में लैंडस्केप मोड में इनेबल करके आप चेक कीजिएगा, रोटेशन मोड ऑन कर लीजिएगा और उसके बाद अपना जो मोबाइल है लैंडस्केप मोड पे ले आइएगा। लैंडस्केप मोड पे चेक करके आप इजीली चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप में से कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको लैंडस्केप मोड का नहीं पता तो वो एक बार गूगल में सर्च करके देख लीजिए, चेक कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको पता है तो लैंडस्केप मोड में इनेबल करके आप इजीली चेक कर सकते हैं इसको। ठीक है जी, ये दोस्तों पूरा तरीका है। उम्मीद है वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, जुड़ना चाहते हैं ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल से तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी दबा कॉल पर क्लिक कर दीजिएगा। फ़ायदा इसका ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।